वीडियो का नाम है हाउ यू के जीरो सेवन राइडर डिस्ट्रॉयड हिस रेप्यूटेशन और जोकर सिंबल आई थिंक दिस इमोजी केम इन टू बिकॉज ऑफ हिम ओनली साइडली एंड से एंड माई गॉड राइडर एंड लोगों के पसंदीदा ब्लॉगर हुआ करते थे बट अभी तो लोग इनको जोकर बुलाते हैं हर दिन कोई ना कोई इनको पोस्ट करता है मेरे को भी नहीं पता की लोग इनको जोकर बुलाते हैं आई है I had no idea. जब तक मैंने वो रील बनाई अपने चैनल पे जिसपे मिलियंस ऑफ व्यूज आए थे जोकर आई है रहा हूँ इनको अभी बैठ के मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ उनके बारे में क्या हो रहा है जो भी यहाँ पे बेबी से इन्हें आके रोध हो रही है ना समझो मैं क्या बोल रहा हूँ क्या दाढ़ी है गोटी मस्त ऐसे बड़ी बड़ी लंबल डोर जैसी दाढ़ी क्यों रखनी थी फिर इसलिए के टी एम बाइक का बट फैमिली की स्थिति सही नहीं होने के कारण वो अपने पसंदीदा बाइक को खरीद नहीं सकते थे oh, oh. तो इसलिए UK07 राइडर ने अपना करियर मेनली एज नहीं बट एज अ टीचर स्टार्ट किया था okay. वो बच्चों को ट्यूशन क्लासेस देते थे एंड oh, उससे जो भी पैसे आते थे वो उनको सेव किया करते थे आई नो देस टू कलेक्ट मनी टू अ इसके लिए तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा टीचर बना जोकर इट्स लाइक ब्रेकिंग बैड टू पॉइंट

शिट एंड कुछ महीने बाद उनका एक सीरीज बहुत वायरल चला गया अच्छा एक्चुअली तब उन्होंने ले लद्दाख and... कौन सा सीरीज वायरल चला गया था इनका वेंट टू इंडिया पाकिस्तान एल ओ ऑन के टी एम बाइक्स वो भी के टी एम आर सी पे नाइस नाइस पांच साल पहले धीरे धीरे लॉकडाउन में ही उनकी फॉलोइंग बढ़ने लगी एंड एक डीसेंट अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर बेस उन्होंने बना दिया लोग थोड़े और जानने लगे जब उनका एक कॉन्ट्रोवर्सी हो गया एक और यूट्यूबर आमिर माजिद के साथ आमिर माजिद के इनका कॉन्ट्रोवर्सी भी को पता आई थिंक दिस इज द फंडा टू ग्रो मैन कोलेबोरेशन करने का और या तो कॉन्ट्रोवर्सी करने का समथिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम हिम एंड ऑल्सो वी शुड डू डाउनफॉल so ना हो वो आगे जाके बाहर स्टार्ट हुई थी जब आमिर माजिद साथ राइड में गए थे okay? एंड उनको धीरे चलाना पड़ रहा था आमिर okay? माजिद को राइड जल्दी कम्पलीट करनी थी तो वो आगे चले गए एंड वो ऑफेंड हो गए उसके बाद आमिर माजिद बहुत, बहुत, बहुत बार आगे गए हैं अगर देखा जाए तो आमिर माजिद जो भाई है ये कभी धीरे नहीं चलता क्या किसी के लिए रुकता नहीं है क्या घंटा फर्क नहीं He He is going in a group ride with someone. He has decided. So you should be sticking together, right? Wait for them, check them check out. ही आमिर माजिद ने एक डिस्ट्रैक्ट लॉन्च किया था अगेंस्ट यू के जीरो सेवन राइडर एंड उसके बाद यूके जीरो आई नीट ऑल्सो डिस्ट्रैक्ट ना दिस इज वन मोर वे टू ग्रो डिस्ट्रैक्ट किसके

उनके दुश्मनों के साथ जाकर मिल रही थी वो बताते कि इसके लिए वो नो अबाउट इस मोटरसाइकिल रिलेटेड एंड मोटर ब्लॉक रिलेटेड स्टाफ लेट्स पॉइंट यही है इस बंद से आई लाइक इट हैश टैग नो गे इससे भी ज्यादा दाग तब लगी जब उन्होंने एक स्मॉल शॉप ओनर को अपने जीरो oh, yeah, really sure था।, hmm. था आईफोन फोर्टीन प्रो मैक्स का वन टीबीट एंड करन भाई के पास था वन ट्वेंटी एट जीबी वाला वेरियंट oh, तो करन भाई ने यूके जीरो सेवन को बोला की आप ये फोन लेके जाओ एंड जो ब्लॉक करना है कर लो बस सिमत डालना

राइडर उनके दुकान पर गए एंड लिटरली इतने सारे ऑडियंस के सामने उन्होंने उनको बदनाम कर yeah. क्योंकि ऐसे ही वीडियो चलते हैं लोगों को ना बिग बॉस देखना है ये बंदा बिग बॉस के लिए प्रैक्टिस शुरू कर दिया था तीन चार साल पहले ही से आई अंडरस्टूड किसी के के बाद, के पर सवाल उठ गया ऐसा ही तब हुआ था जब वो बिहार में मीटअप किए थे उन्होंने एक्चुअली मीटअप मैनेज करने के लिए किसी को रखा था बट उनके हिसाब से वो लोग एंडोस रिसोर्ट का मैनेजमेंट खराब था एंड यूके जीरो सेवन ऐसे मीटअप हर शहर में जाके करते हैं एंड ज्यादातर समय पुलिस आ जाती है ये देखने के लिए की इतनी भीड़ क्यों लग गई जा है मोस्ट ऑफियो बनता है पुलिस पकड़ के ले गई <laughs> मैं आपको दिखाता हूं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं लेकिन मी शो यू अरेस्ट पहला फिर पुलिस लखनऊ जाते वक्त फिर से अभी थोड़ी देर में आएगा अरेस्टेड <laughs> तो एक हफ्ते में एक बार पुलिस इनको पकड़ के ले जाती है सीज्ड दो बार सीज्ड ओ माय गॉड पार्ट टू अरेस्टेड इस मीटअप में परमिशन नहीं लिया जाता तो वो मोस्टली बहुत इनफॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज मैनर में किया जाता है ऐसे मीटअप से नॉर्मल लोगों को तकलीफ होती है क्योंकि जैम right. लग जाती है भगवान करे, बट कोई इमरजेंसी एम्बुलेंस इस भीड़ में फंस एक्टली exactly. फिर जिनको इंपॉर्टेंट मीटिंग्स या एग्जाम्स में जाना है वो भी फंस सकते हैं right? फिर भाई इस, इसकी जो जनता थी वो पहुंच गई विथ जॉबलेस फ्रेंड्स और फालतू में आके उसकी बाइक को रोकने लगे पूरी जाम कर दी रोड वही रोड में अगर कोई फंसा होता कोई एग्जाम देने जा रहा कोई कोई में है इतना तो मैं जानता हूं कि बंदा बहुत ज्यादा है अब बंदा क्या वीडियो टाइटल डाला हाँ पुलिस पकड़ के ले गई एक शब्द नहीं बोला अपने जनता को देखो जो आपने किया वो गलत है एटलीस्ट ही कैन टीच देम टीचर रहे ये अपनी जिंदगी में एटलीस्ट ही कुड जनता कि जो आपने किया वो गलत है उसके लिए एजीबी हैमर तो पड़ेगा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के लिए And most importantly, is literally illegal in India. अब बिना अच्छा proper permission के ये सब कर ही नहीं सकते And करोगे तो भाई पुलिस आ जाएगी फिर बाबू भाई आपको thumbnail में लगा देंगे कि पुलिस आ गई लड़ाई exactly about. डे भाई हर हफ्ते जाता है पुलिस स्टेशन।, स्टेशन ये इसलिए जाता है क्योंकि उसने वही जाम लगा दिया होता है या तो इसकी बाइक के साथ इसकी कार के साथ कुछ हो गया होता है और वहां पे पुलिस वाले इसको चाय पिलाते हैं वो करते है like अगर सौ लोग आ रहे तो सौ लोग में से अस्सी लोगों का चैनल होता है वो ब्लॉग करेंगे एंड no? वो ब्लॉग का वीडियो वो लोग यूट्यूब पर डालेंगे जिससे यूके जीरो राइडर और भी लोगों तक पहुंच सके मैंने पहले क्यों नहीं सोचा भाई हम भी मीटअप शुरू कर रहे

टॉप स्पीड कितनी है

गई तो मैं उससे बुरा इंसान नहीं बन जाता एक रूल तोड़ा है मैंने हाँ मैं मानता तो हूँ मैंने रूल तोड़ा है भाई की छेड़ा ट्रैक का नाम नहीं सुना है ट्रैक तो गए नहीं होगा बंदा अपनी जिंदगी में वो डिस्ट्रैक्ट बनाने में और मीटअप करने में बिजी रहता बंदा टाइम ही नहीं है सीखने का ही सब इज इंस्पायरिंग थाउजेंड अदर्स टू डू द सेम शेड दैट्स दैट्स द पॉइंट तुम करो रूल तोडो जो करना मरो जाके मतलब बंदा टीचर रहा है सेंसे रहा है सेंसे। उसके बाद इस शो में वो क्लिकबेट्स की भी बात करते हैं कि कैसे गारिया वगैरह लेते हैं तो उस प्रोसेस को वो डॉक्यूमेंट करते हैं नाउ आई डोंट एनी प्रॉब्लम विथ हिम मेकिंग चाहते है की उनके वीडियो पे व्यूज आए एंड ऑन टू गेट व्यूज थोड़ा क्लिकी वाला थमनेल डालते हैं मैं भी डालता हूँ बट प्रॉब्लम यही है कि आजकल उन्होंने अपने पूरे पर्सोनैलिटी को ही मेटीरियलिस्टिक चीजों के अराउंड बना दिया आपको नहीं आपकी गाड़ियों को देखने आते हैं जिस दिन आप महंगा गाड़ी या बाइक हटा दोगे अपने वीडियो से यू विल फेस अज डाउन फॉर ट्रू तुम अपना कॉन्टेंट ऐसा बनाओ कि लोग तुमको देखने आए तुम्हारे चीजों को देखने ना आए बहुत लोग अपने चैनल को इस सोच के शुरू कर रहे हैं कि कौन सी गाड़ी लू ताकि मेरे को आएगा। That is the wrong mentality. तो एक यूट्यूबर मैक्सटन रिसेंटली एक पॉडकास्ट में गए थे एंड उन्होंने यूके जीरो का बिजनेस मॉडल अच्छे से बता दिया वो लाया छह महीने की उसकी वैलिडिटी होती है बीच में बिग बॉस में भी था वैलिडिटी खत्म सुपरा गई गाई। सुपरा की ना कुछ सर्विसिंग ड्यू थी गाइस तो उसके सर्विसिंग के लिए हमें वापस करना पड़ गया गाइस एंड के बाद मैक। अगर तुमको कोई मोटो ब्लॉगर दिखे ना जो यही बोले जा रहा गाइस गाइस दूर भागो ऐसा कोई बंदा बोले ना गाइस गाइस मतलब वो किसी खतरनाक मोटो ब्लॉगर से इन्फ्लुएंस उसी टाइप का उस लेवल का आपको कॉन्टेंट मिलने वाला है एक्सटेंड ट्वीट करके बताते हैं कि उनको यूके अच्छा। करियर की सारी गाड़ी उन्होंने खुद खरीदी है एंड उनके घर पे वो, वो सब इसको घर पे तो दिखाओ ना फिर हमको हमको तो नहीं दिखी सब गाड़ियां एक साथ कोई पिक्चर में ये तो कहानी हमको भी पता ही बहुत लोग कर रहे हैं दुबई से रेंट में लाते हैं यहां पे रखते हैं फिर वापस बहुत सारी कंपनियां चल रही है उनकी स्पॉन्सरशिप क्या है गैम लिंग एप्स प्रमोशन भर भर के देखे हम यूट्यूब चैनल पे, भर भर के और रिपोर्ट भी मारे हैं बटे फाइनल ने कॉफिन उनके रेपुटेशन पे तब लगती है जब वो बिग बॉस गए अगेन आई हैव नॉट वॉस्ट मच ऑफ दीम्स एंड स्टफ आई है जोकर बुलाना नो oh, no. जिसके लिए अपनी पूरी जिंदगी की तैयारी की प्रैक्टिस किया टीचर बने के टीएम ली कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट की कितनी प्रैक्टिस की और फिर वहां पे जाके

<laughs> like like, is... इसलिए बनाया ताकि आप लोगों को पता चले कि किसी भी इंटरनेट पर्सनैलिटी से हेविली इंफ्लुएंस्ड मत हो जाए क्यूकी अक्सर जो दिखता है वो होता, वो होता नहीं ले स्पेशली इनकेस ऑफ ब्लॉगर्स जो मैं हूँ मैं हूँ नहीं Now I know picked to other time. Hypocrite bandha, hypocrite. The wheels on the bike go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bike go round and round all through the town. Without the helmet.